हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग पिछले वीडियो में राइट हैंड थंब रूल पढ़ रहे थे, है ना। तो राइट हैंड थंब रूल मैक्सवेल ने दिया था और इसको मैक्सवेल कॉकस्क्रू रूल भी बोला जाता है, ठीक है। मैक्सवेल कॉकस्क्रू रूल, कॉकस्क्रू रूल का मतलब जो स्क्रू होता है, स्क्रू ड्राइवर, जिससे हम लोग कोई कील जो है बाहर निकालते हैं, किसी चीज़ में कसते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे इधर लगा हुआ है, तो स्क्रू की मदद मतलब से हम लोग ऐसे ऐसे घुमाते हैं, है ना। स्क्रू का एक पॉइंटेड एंड होता है और एक मोटा सा एंड, जिसको पकड़ के हम लोग उसको घुमाते हैं, तो कोई जो कील वगैरह है वो अंदर चला जाता है। तो मैक्सवेल द्वारा जो दिया गया राइट हैंड थंब रूल है, उसको कॉक स्क्रू रूल भी बोलते हैं। कॉक स्क्रू रूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे मान लीजिए, इमेजिन करिए, जैसे घुमाते हैं, है ना, स्क्रू को, स्क्रू ड्राइवर से घुमाते हैं, तो ऐसे ऐसे घुमाते हैं और ये अंदर चला जाता है ना। कुछ इस तरह से होता है कि ये हमारा स्क्रू है और स्क्रू ड्राइवर हमारे लिया, ये ऐसे है अभी यहाँ पे, घुमाया 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 घुमाया, जैसे घुमाते गए ये अंदर, जहाँ जगह पर इसको एंटर करना है वहाँ पे चला जाता है ना। और उल्टा घुमाते हैं तो वापस आ जाता है ना। तो यही होता है, स्क्रू कॉक स्क्रू जो ऐसे घुमाते जाते हैं और ये इंटर कर जाता है होल में, जहाँ पे हमको इसको फिक्स करना रहता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप मोशन को देखें, तो ये जो ऐसे से घूम रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारा जो स्क्रू है वो कहाँ आगे बढ़ रहा है, ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए राइट हैंड थंब रूल को मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि कॉक स्क्रू की तरह ही इसमें बताया गया है, ठीक। और राइट हैंड थंब रूल से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग पता कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड को हायर क्लास में हम जाएंगे तो बताया जाएगा, उसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका सिंबल है कैपिटल बी। ओके, तो ये थोड़ा सा आप अभी से फिलहाल जान जाएंगे तो कुछ बड़ी बात नहीं है। तो इस राइट हैंड थंब रूल जो मैक्सवेल ने दिया था, जिसको कॉक स्क्रू रूल भी बोलते हैं, इसकी सहायता से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। करंट का डायरेक्शन हमको पता रहेगा सर्किट में, क्योंकि हमको पॉजिटिव नेगेटिव टर्म में पता है, तो उसकी सहायता से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हैं। ओके, अब ये राइट हैंड थंब रूल कुछ इस तरह से है, उंगलियां ऐसे एम सर्कल हैं, बंद हैं, और थंब हमारा ऊपर की तरफ है। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं जो थंब है, और इसके बीच में एक हमने वायर पकड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरह से लपेट कर उंगलियों को, चार उंगलियों को ऐसे पकड़ा हुआ है। ओके, तो ये जो वायर है या कोई भी कंडक्टर, इसमें से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, ये दो कंडीशन हो सकता है ना, या तो इधर से इधर आए या इधर से इधर आए, डिपेंड करता है कि उसका दो टर्मिनल किस बैटरी के किस टर्मिनल से जुड़ा है ना, पॉजिटिव इधर है या निगेटिव इधर है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव है, तो डायरेक्शन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हो सकता है, यानी करंट सीधा जा रहा है, ऊपर या नीचे हो सकता है बैटरी के टर्मिनल को चेंज करने से। तो करंट मान लेते हैं ऊपर जा रहा है, एक कंडीशन मान लेते हैं ऊपर जा रहा है, यानी यहाँ प्लस एंड है, यहाँ माइनस एंड से जुड़ा है, तो करंट इधर जा रहा है, और अंगूठा भी हमारा इस कंडक्टर के सिमिलर है सीधा, तो अंगूठा हमारा जो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो मैक्सवेल ने दिया था, वो करंट को डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, ये करंट को रिप्रेजेंट करता है हमारा अंगूठा। और ये जो उंगलियां लपेटी हुई हैं इस कंडक्टर को अंदर, लपेटी हुई हैं किसी तार को लपेटी हुई हैं, तो ये जो एनसर्कल्ड यानी मुड़ी हुई उंगलियां हैं, जिसमें ग्रेस्प किया गया है वायर या कंडक्टर, ये हमारा दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कुछ इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से, जैसे स्क्रू घुमा रहे थे वैसे ही ये हमारी उंगलियां भी क्या है, ऐसे ऐसे आके ऐसे घूम जा रही है ना, तो ये एनसर्कल हो जा रही है चार उंगलियां, और कुछ इस तरह से मूवमेंट हो रहा है ऐसे, है ना। तो ये जो मूवमेंट उंगलियों का है, थंब को छोड़कर बाकी चार उंगलियों का, वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड किधर घूम रहा है, तो करंट सीधे जा रहा है और चार उंगलियां हमारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रही हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया राइट हैंड थंब रूल जो मैक्सवेल ने दिया था। अब इसके बाद इसी राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, विच इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है या कैसे फ्लो होता है, इसको समझना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप, लूप का मतलब होता है बंद रास्ता,
है ना, लूप। और सर्कुलर यानी सर्कुलर वे में, सर्कुलर वे में कोई जो एंड है पूरा क्लोज है। ओके अच्छा ये हो गया। तो सर्कुलर लूप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कुलर वायर को, है ना। पिछले केस में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में आप कि स्ट्रेट वायर, है ना, स्ट्रेट वायर जैसे यहाँ पे हम लोगों ने हाथ में पकड़ा हुआ है, राइट हैंड में पकड़ा हुआ है क्योंकि राइट हैंड थंब रूल है। तो कोई भी वायर जो स्ट्रेट था उसमें कैसे करंट फ्लो हो रहा था, उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से शो हो रही थी, कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में हो रही थी, है ना। अब यहाँ पे वायर का थोड़ा सा डिजाइनिंग चेंज किया गया है। अब यहाँ वायर सीधा नहीं है, कर्व्ड है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर में ये टेढ़ा सा है। बाकी सेटअप वगैरह सिमिलर है जैसा कि पुराने केस में था स्ट्रेट वायर में। ये हम लोग कार्डबोर्ड व्हाइट कलर का लेंगे, है ना, और उसमें दो पंच कर देंगे जिसमें से वायर जो टेढ़ा किया कर्व्ड वायर है उसको दोनों एंड से अंदर कर देंगे, और इधर से नीचे से निकलेगा कार्डबोर्ड से, और फिर उसके दोनों एंड को स्विच से और बैटरी के दो टर्मिनल से जोड़ देंगे, है ना। ये हमारा स्विच ऑन कंडीशन में है, ठीक है, ये स्विच हमारा ऑन कंडीशन में। पॉजिटिव टर्मिनल हमने इधर बनाया, नेगेटिव इधर बनाया। ओके तो सर्कुलर लूप यानी सर्कुलर वायर, और वो कुछ इस तरह से हमको सेटअप करना है। व्हाइट कार्डबोर्ड, कर्व्ड वायर, पंच करेंगे होल करके, इस वायर को दूसरे तरफ से निकालेंगे और आगे चल के उसको स्विच और बैटरी के दो टर्मिनल से जोड़ देंगे, दैट्स इट। ओके और उसके बाद सिमिलर वही करेंगे जैसे कि स्ट्रेट वायर के केस में, कि हम लोग पहले अभी स्विच ऑन ऑफ रखेंगे, अभी ऑन नहीं करेंगे, कुछ आयरन पार्टिकल लग देंगे, आयरन पार्टिकल यानी आयरन फिलिंग्स यानी कि आयरन के पाउडर, ठीक है, उसको छिड़क देंगे सब जगह इस कार्डबोर्ड पे, और फिर उसके बाद ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हल्का सा टैप करेंगे, है ना, उंगलियों से हल्का हल्का इसको, इस जो कार्डबोर्ड है हल्का सा इसको टैप करेंगे, धक्का देंगे हल्का सा, ये नहीं कि पूरा उड़ जाए पाउडर, हल्का हल्का टैप करेंगे, और चूंकि करंट फ्लो हो रहा है तो हम लोग को पैटर्न कुछ किस तरह का देखने को मिलेगा, है ना। थोड़ा सा टैप हम लोग कर देते हैं ताकि बार दो तीन बार टैप कर देते हैं थोड़ा थोड़ा गैप लेके, तो हम लोग देखेंगे कि क्या हर बार एक ही पैटर्न बन रहा है या डिफरेंट हो रहा है। तो हम लोग पाएंगे कि टैप करने के बाद वो करंट जो फ्लो हो रहा है तो जो पैटर्न बन रहा है, जिस पैटर्न में वो सारे आयरन के पार्टिकल या आयरन फिलिंग्स अरेंज हो रहे हैं, वो कुछ इस तरह का हमको दिखेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप का टॉपिक ये है, ये हमारा ये सेटअप है। ओके और इस सेटअप को हमको अच्छे से समझना है। चलिए अब इसमें आपको आई होप सारी चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी, थोड़ा सा छोटा बना है डायग्राम। इसमें देखिए करंट जो इधर जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो यहाँ से करंट जा रहा है। ओके ये करंट हमारा गया, क्लियर है, करंट जा रहा है ऊपर। तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करेंगे, इस रूल का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को समझने का प्रयास करेंगे या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब जो पार्टिकल जो है आयरन के जिस तरह से अरेंज हुए हैं वो हमको बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कुछ इस तरह से अरेंज होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है उसको समझने के लिए हम लोग को राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट इस तरफ से जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन ऊपर है, ऐसे राइट हैंड ले लिया, ये हमारा थंब ऊपर और ये मेरी उंगली क्या हो रही है, ऐसे मुड़ रही है, कैसे मुड़ रही है, ऐसे अगर आप सोचेंगे, इमेजिन करिए, ये क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज, मैं इस तरफ का बोल रहा हूँ इस एंड का, है ना, करंट ऊपर, देखिए जैसे करंट जाता है उसी तरफ हमको अपना हाथ पकड़ना है, और राइट हैंड ही हमेशा यूज करना है, अगर ये हमको रूल यूज मैक्सवेल का थंब रूल यूज करना है तो राइट हैंड हो गया, अंगूठा ऊपर क्योंकि करंट भी ऊपर जा रहा है, उंगलियां बाहर की तरफ तो होंगी नहीं, मुड़ेंगी अंदर ही मुड़ेंगी। अब इसको समझिए, इसी चीज़ को मैं ऐसे समझा रहा हूँ, इस तरफ इस एंड को, कि ये मेरा अंगूठा तो ऊपर करंट की तरफ दिखा रहा है और ये उंगली हमारी ऐसी मुड़ रही है, ऐसी मुड़ रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, क्लॉक वाइज मुड़ रहा है कि एंटी क्लॉक वाइज, मेरी उंगलियां ऐसे मुड़ रही हैं, है ना, ऐसे यानी एंटी क्लॉक वाइज मुड़ रही हैं, है ना, ऐसे। अब इसी चीज़ को मैं ऐसे बता रहा हूँ, इसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा 3D में। तो करंट ऊपर जा रहा है, उंगलियाँ ऐसे मुड़ी, तो उंगली हमारा एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन मुड़ा, और उंगलियों के मुड़ने का डायरेक्शन हमको बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम देखिए इंडिकेट किया गया है कि जो ये सर्कल बन रहा है इस तरफ का एक पंच लाइन का, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंटी क्लॉक वाइज चल रही हैं, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज चल रही, जैसा आपको पता चला वैसे ही आप डायरेक्शन बना देंगे।
यहाँ इस तरफ से जहां से करंट इंटर कर रहा है सर्कुलर वायर में, वहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है ड्यू टू दिस करंट। ओके, अब ये करंट यहां से यहां पास किया, ये सर्कुलर लूप है, ये क्या है करंट का या वायर का लूप है ना, सर्कुलर वे में है तो सर्कुलर लूप या करंट लूप भी बोल सकते हैं, करंट भी इसी सर्कुलर वे में जा रहा है, सर्कुलर लूप। ओके, तो ये हो गया सर्कुलर लूप हमारा, या सर्कुलर लूप ऑफ करंट भी बोल सकते हैं इसको, जो वायर हमारा इस तरह से अटैच है। अब ये वायर इधर गया, करंट ऐसे आया ऐसे गया, इधर से इधर जा रहा है। अब करंट नीचे देखेंगे तो क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, यानी हमको फिर से राइट हैंड लेना होगा और अंगूठा किधर करना पड़ेगा, नीचे, है ना, अंगूठा हमने नीचे कर दिया, क्लियर। अब अंगूठा नीचे कर दिया और उसके बाद देखिए अंगूठा हमारा करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है, इधर भी जो है ये करंट नीचे जा रहा है, सही है, और मेरी उंगलियां इस तरह मुड़ रही हैं। अब इसको इस तरह समझेंगे तो ये किस तरह मुड़ रहा है मेरा उंगली, इस तरह, है ना, इस तरह, यानी मेरी उंगली सेकेंड केस में जब करंट वापस आ रहा है दूसरी तरफ से तो इस तरह मूव कर रहा है ना, ये इस तरह, इसको इस तरह से 3D समझेंगे तो करंट ऐसे मूव कर रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है करंट जब वो नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाया है, ठीक है, ये इंडिकेट किया गया है एरो से कि करंट ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज। वो कैसे पता किए हम लोग, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके एक बार इधर से समझ लिए और एक बार इधर से, करंट इधर ऊपर जा रहा है, उंगलियां ऐसे मुड़ी एंटी क्लॉकवाइज, इधर आप देख के समझ जाएंगे, ऐसे देखेंगे तो पूरा का पूरा समझ जाएंगे। ओके, और इधर करंट नीचे जा रहा है तो अंगूठे को नीचे करना पड़ेगा, उंगलियां ऐसे मुड़ रही है क्लॉकवाइज, ठीक, तो इधर एंटी क्लॉकवाइज वे में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है करंट के थ्रू इस कर्व्ड वायर में या सर्कुलर लूप में, और यहाँ पे दूसरे जब करंट दूसरी तरफ पे आ रहा है वापस तो यहाँ पे क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है इस सर्कुलर लूप में। ओके, और ये सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये जो पैटर्न बन रहा है वो कैसे बना है ये हम लोगों ने समझ लिया बाय द यूज ऑफ राइट हैंड थंब रूल गिवन बाय मैक्सवेल। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अब ये बहुत सारी लाइन ऐसे सर्कुलर लूप बहुत सारे बनेंगे, है ना, कई सारे बनेंगे सर्कुलर लूप, और फिर ये जो मैंने थोड़े थोड़े सर्कल के लूप बनाए या कर्व बनाए ये आगे आगे कंप्लीट तो होंगे ही, है ना, लेकिन इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ये जो लूप बन रहा है ये कर्व पाथ बन रहा है जिस वे में मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है वो कई सारे सर्कल बनेंगे, है ना, और बनते बनते दूर होते जाएंगे सेंटर से, जहां से पंच किया गया वायर उससे दूर होते जाएंगे, चाहे इधर से दूर, यहाँ चाहे इधर से देखा जाए चाहे इधर से, यहाँ से ये लाइन्स दूर हो रही हैं, यहाँ से ये लाइन्स दूर हो रही हैं, और हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे सेंटर से, पिछला केस याद करिए स्ट्रेट वायर में, कि जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते हैं कर्व पाथ में तो करंट का सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटता जाता है ना, तो वही केस यहाँ भी होगा, सेंटर से जब दूर जा रहे हैं चाहे इधर तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटता जा रहा है, और फिर अल्टीमेटली सारे जो है मान लीजिए ऐसे घुमा हुआ है कर पात्र ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इस कर्व लूप में ऐसे बनती रहेंगी, और एक ऐसा टाइम आएगा कि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट हो जाएंगी, जैसा कि यहाँ बीच में लाइन में दिखाया गया है ना, तो दोनों एंड से देखा जाए तो एक स्ट्रेट लाइन बीच में है इन द सेंटर, है ना, ये सेंटर में स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन बता रहा है कि बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ या बहुत सारे नंबर में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हुई हैं दोनों पंच्ड सेंटर से, और अल्टीमेटली ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सेंटर के अराउंड कॉन्सेंट्रेट हो जा रही हैं, सीधी हो जा रही हैं। ओके, अब इससे क्या पता चला हमको, इससे हमको ये पता चला, इससे हमको क्या पता चला ये हमको समझना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मैग्नेटिक ये जो पैटर्न बन रहा है अगर इस केस में हम लोग बनाएं इस तरफ का पैटर्न, थोड़ा सा बड़ा करके मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये हो गया, ये दो पंच पॉइंट है ना, ये सेंटर है, ये सेंटर है,
अब यहाँ पे जैसे करंट ऊपर जा रहा था और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था राइट हैंड थंब रूल को यूज करने पे बता रहा था एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बहुत सारे बनते जाएंगे और अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी हो जाएंगी। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट नीचे जा रहा है तो ये क्लॉक वाइज चल रहा था, है ना, क्लॉक वाइज घूम रहा था। ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स घूमते या बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाने के बाद अल्टीमेटली एक स्ट्रेट पाथ जैसा हमको मिल जाएगा। तो ये जो स्ट्रेट पाथ मिल रहा है सेंटर में, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितनी बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनी है सबका सम हो गया है और एक स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड हम क्रिएट हो रहा है। और इससे ये भी क्लियर होता है कि जैसे जैसे कर्व सर्कुलर लूप बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे करंट का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जितने भी करंट के या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की वैल्यूज होती हैं वो सारी एडअप हो जाती हैं, सब जुड़ जाती हैं और एक सेंटर में हमको वैल्यू मिलता है और वही हमको देता है एक्चुअल करंट का वैल्यू, है ना। तो ये चीज है। अच्छा, ये हो गया, ये दोनों चीजें समझ गए। अब इसके पॉइंट्स के बारे में जानते हैं कि सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हुआ, पैटर्न क्या हुआ, ये तो समझ लिए। अब इसका एडवांटेज या मेरिट क्या है, तो इसका एडवांटेज या मेरिट देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसका स्पेशलिटी या खासियत है कि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, ये देखिए, ये सर्कल से बना हुआ था दोनों तरफ, चाहे इधर देखे थे उधर, है ना, ये सभी कई सर्कल का ही पार्ट है, केवल हम लोग वन एंड बना रहे हैं। तो ये सेंटर तो कॉमन रहेगा इसका और ये इससे अलग अलग दूरी पर है, और जैसे जैसे सेंटर से जहाँ से वायर पंच किया गया है इस सेंटर से इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दूरी बढ़ेगा, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटता जाता है, है ना, ये जानते हैं। तो यहाँ पे अगर कंपस रखेंगे तो वहाँ, यहाँ पे डिफ्लेक्शन कम दिखेगा, यहाँ पे रखेंगे तो कंपस डिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखेगा तेजी से, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, है ना। ओके, तो यही चीज़ यहाँ दोनों तरफ से आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो रेडियस होता है इस सर्कुलर लूप या वायर का, जो रेडियस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला पॉइंट हमको ये समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ लूप या सर्कुलर लूप। इसका अर्थ यही हुआ कि ये पहला सर्कल हो गया जहाँ पे पंच किया गया वायर, यहाँ पर दूसरा है, तीसरा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पैटर्न दिख रही हैं। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटेगा, यानी इसका सीधा अर्थ हुआ कि जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव कम रहेगा। ओके, जैसे कि बाकी मैग्नेट के केस में हम लोग पढ़े थे, सिमिलर वही है कि मैग्नेट के पास करेंगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ रहेगा, दूर जाएंगे तो दूर रहेगा, वही चीज़ यहाँ बताई जा रही है सर्कुलर लूप में। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, यानी रेडियस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा, यानी कि सेंटर की तरफ ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव रहेगा। ओके, क्लियर है। चलिए इसका दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं, दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसको भी समझ लेते हैं, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
तो मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट जितना फ्लो हो रहा है उससे ही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जो करंट इस पे फ्लो हो रहा है, चाहे इधर से जा रहा है या इधर से आ रहा है, उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने पहले केस में देखा कि मैग्नेटिक फील्ड रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। यानी जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव बढ़ रहा है। ओके, चलिए, तो इससे हमको ये भी पता चला, ये जो कर्व पाथ बन रहा है ढेर सारा, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट होगा, यानी कि जैसे कोई वायर है ना, कोई भी चीज़ है, आयरन का कोई चीज़ है, उस पर वायर लपेटा गया है ना, उस पर वायर ऐसे खूब लपेटा गया है पास पास में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बहुत ज़्यादा होगा। इससे हमको ये भी क्लियर हो रहा है, क्योंकि ये वायर जो होगा इसमें करंट का डायरेक्शन तो सेम रहेगा, यहाँ से इंटर करेगा। इसको और थोड़ा बड़ा करके समझ लेते हैं, ये वायर मान लीजिए हमने ऐसे से लंबा सा रॉड पे लपेट दिया, तो ये करंट इधर से आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इस तरह से सही पैटर्न में एक कॉमन पाथ में करंट फ्लो करते जाएगा सर्कुलर लूप के बेसिस पे, है ना। सर्कुलर लूप के बेसिस पे ही जो करंट है वो ऐसे ही फ्लो करते जाएगा, है ना। अब फ्लो जब करते जाएगा तो सारे करंट का जो वैल्यू होगा वो